तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ बरमुडा मैप की, जिसको यूज करके आप आसानी से ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो। मैं भी पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ और मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा ना वो बोट आईडी से बनाऊंगा, क्योंकि इस आईडी से बनाऊंगा ना तो भाई मैं रैंक पुश नहीं कर पाऊंगा, 6 घंटे की लिमिट। और ये अज्जू भाई इतनी जल्दी ग्रैंड मास्टर कैसे पहुंच गए, इनको टाइम लिमिट नहीं मिली क्या? चलो छोड़ो, इस वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। अपनी फर्स्ट रिक्वर करने वाली हैंगर पे अपने ऑब्जर्वेटरी के लॉन्च पैड से आपको हैंगर पे जाना होगा। इसके लिए आपको तो कुछ लॉन्च पैड ऐसे सेट करना होगा। भाई आप बोलते होंगे भाई ये पेड़ वाले लॉन्च पैड हमको समझ नहीं आते, लेकिन आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा ना आप समझ जाओगे। आपको देखो 5 पत्ती के छठवीं पत्ती वाली लाइन में आपको एक 2 डॉट देखने को मिलेंगे, उसके बीच में आपको सेट कर देना है। अगर नहीं समझ आया ना तो भाई ये वाली स्क्रीन पर तो स्टॉप करके देख लो, जहाँ पे मैंने एडिट करके सर्कल वगैरह बनाए थे। और अगर आपको ये समझने में आपको 10-20 सेकंड या 1 मिनट भी लग रहे हैं ना भाई, इधर वीडियो में लगा सकते हो रोक के, क्योंकि अगर आप इधर टाइम बताऊँ बचाने में लगा दोगे ना गेम में 10 बार इधर उधर चल जाओगे, मतलब ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। उधर देखो मेरे को साथ में एक किल भी मिल गया। चलो नेक्स्ट टिक की ओर चलते हैं। और अपने नेक्स्ट टिक वर्क करने वाली है बीमा शक्ति पे मैंने 2 किल कर दी और दो बंदे और आ गए, मतलब स्क्वाड के 2 बंदे और आ गए और मैंने दूसरे को भी इधर मार दिया है। और इधर आने के बाद आपको तो 2 ग्लोबल की जरूरत पड़ेगी। भाई सब 2-2 क्यों हो रहा है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो एक ग्लोबल कुछ ऐसे लगा देना है, दूसरा ग्लोबल उसके ऊपर लगा देना है। भाई ऊपर तो अपन जाएंगे, लेकिन आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ ऊपर जाने के बाद, आप यकीन नहीं करोगे। देखो मैं जैसे ही ऊपर आया ना, इसके ऊपर मैं सामने भी एक बंदा देखने को मिला है, मैं इसके ऊपर चढ़ा और ये सामने बंदा दिल पे रिवाइव कर रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा मैं पीछे बैठा हूँ। स्कोप खोला और उसको हेडशॉट मार दिया। भाई अंधे होकर रिवाइव कभी नहीं देना चाहिए, भाई उसने देखा भी नहीं कोई आसपास है कि नहीं, बस देना चालू कर दिया। और इधर मेरे को पीछे एक और बंदा देखने को मिला, मेरे टीममेट ने डैमेज दिया, बस एक गोली मारी और किल चोरी हो गया। और इतने खतरनाक किल मिलते हैं ना तो भाई अपने को अलग खुशी होती है, और बस अपने टीममेट्स अपने को अलग गाली देते हैं वो चलेगा, लेकिन अपने को किल जरूरी चाहिए। आपको 2 ग्लोबल कुछ ऐसे लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, लेकिन तो जहाँ तक मैं चढ़ाऊ नहीं यहाँ तक की ट्रिक काम की थी, लेकिन ये बताऊँ मैंने न्यू ट्रिक निकाली है, बाकी इतनी काम की नहीं। देखो बस आपको इस 2 ग्लोबल के ऊपर चढ़ जाना है और इस लाइट के ऊपर चढ़ जाना है, यहाँ पे अलग ही व्यू मिलेगा। और देखो सामने जो भी दिल वाले बंदे रिवाइव देने आएंगे ना उनको मार सकते हो। सामने एक और बंदे को मैंने डैमेज दिया, मतलब मेरे टीममेट ने डैमेज दिया था, एक गोली मारी उसका किल ले लिया। सामने एक और बंदा दिखा, इसको भी मैंने मार दिया और मेरा 8 किल हो चुके हैं। मेरा टीममेट मर गया तो चलो दिल पे आके रिवाइव कर देते हैं, लेकिन मैं जैसे नीचे आया सामने 2 बंदे और आ गए। भाई मतलब कि मैंने 8 पेटी बना चुका हूँ ये बीमा शक्ति पे, और 2 बंदे और आ गए अपनी पेटी बनवाने, और एक को मैंने 1 टैप मारा और दूसरे को भी 1 टैप मार दिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अपने ये ट्रिक वर्क करने वाली नूरेक डैम पर रिवर साइड के पास में, इसमें के लिए आपको एक लैंडमाइन की जरूरत पड़ेगी। ये लैंडमाइन कुछ ऐसे लगा देना, और भाई ये वाली मेरे को ट्रिक बहुत ही फेवरेट लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हो और यहाँ पे कोई आता भी नहीं, और इस जोन में ही जगह है, आपको भी पता है ज्यादातर जोन इसके पास में बनता है। तो देखो बस आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है, अब जो भी बंदा अंदर आएगा ना तो ऊपर तो देखेगा नहीं, अगर आएगा डैमेज खाएगा लैंडमाइन का तो वो तो वहाँ पर या लेफ्ट में निकलेगा या राइट में निकलेगा, तो आप 1-2 गोली मार के बंदे को मार सकते हो। मान लो अगर बताऊँ मैं एनिमी हूँ और मैं कैसे देखना आऊंगा, देखो ऊपर देखूंगा, इसके बाद सामने तो दिखेगा नहीं, राइट में भी देख लूंगा, अगर ऐसा कोई देखता नहीं और ऐसे जहाँ पे मेरा पेट बैठा है जहाँ पे मैं बैठता हूँ ऐसे तो कोई देखने वाला नहीं, सीधा अंदर आएगा और आते से जो अपने जलेबी लगे उसका स्वाद चख लेगा। और अब तू अब जैसे ही डैमेज करा तो लेफ्ट में से निकलेगा, राइट में से उसका वेट मत करना, सीधा रश कर देना। नेक्स्ट एक अपने पिक पे वर्क करने वाली, पिक पे आपको 3 ग्लोबल की जरूरत पड़ेगी। 1 ग्लोबल कुछ ऐसे लगा देना है, लेकिन यहाँ पर कोई एनिमी आ गया था मेरे टीममेट ने बोला, मैं ऊपर आके देख रहा था फिर नहीं दिखा, फिर बताऊँ तीर में बताऊँ बंदे ने मेरे को बहुत गंदा डैमेज दे दिया। और दूसरा ग्लोबल हो तो डब्बे से थोड़ा सा ऊपर लगा देना ताकि एक सीढ़ी जैसा बन जाए। और तीसरा ग्लोबल कुछ ऐसे लगा देना, और यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर चढ़ के अब बताऊँ ऐसे कंजूसी मत करना, वरना बताऊँ ये पेड़ धक्का मारता है, मतलब बहुत फिसलता है, दूर से जब मत मारना, एकदम धीरे से आना, और उसके ऊपर लेट जाओगे ना तो भाई कोई के बंदा देख नहीं पाएगा। बाकी मैं मना करता हूँ, ये CS रैंक के लिए भाई बहुत बढ़िया ट्रिक है, बाकी रैंक में मत यूज़ करना, लेकिन हाँ ट्रिक तो बहुत बढ़िया थे अपने मान लिया। और यहाँ देखो मेरा एनिमी नीचे ही बैठा है, उसको पता भी नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ, और मैं ग्लू भी तोड़ रहा था फिर भी नहीं देख पा रहा है, मैंने इसको डैमेज दिया। मैं टीममेट को मैंने बोल दिया था भाई किल मत लेना, भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पीछे खड़ा हुआ। अगर आपको वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी और डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो मैं अभी डेली BR की ट्रिक डालने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी BR मैप की डालने वाला हूँ ट्रिक, सब्सक्राइब कर देना। और देखो मैं मील पे बस जस्ट उतरा हूँ, और बताऊँ मैंने बस 2 गन लूटी, उसके बाद आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लो अगर तो बहुत सारे बंदे उतरे हो ना तो आपको करना क्या, बस एक ये गाड़ी उठाना है, और मैं जैसी गाड़ी ले रहा था एक एनिमी आया मेरे साथ बैठ गया, रुको अभी इसको मैं बताता हूँ। भाई मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला, मैं इसके साथ कुछ कांड करने वाला हूँ, अभी देखना। मैं इधर लाया और इधर आके बस तो थोड़ा सा आगे आया और यहाँ सामने खाई दिख रही, अब इसके अंदर मैं फेंकने वाला हूँ। लेकिन ये बंदा भी बहुत चला के वही उतर गया, लेकिन वापस से खिसल के गिर गया, और मैंने इसको एक हेड मारा, इधर एलिमिनेट का साइन भी लिखा।
आ गया और भाई मैं भी साथ में गिर गया और इसके सामने लूट बॉक्स पड़ी है, इसको बोलते कर्मा। चलो वापस ऊपर चलते हैं, वापस आपको यहाँ पे आ जाना। मान लो कि इधर बहुत सारे बंदे उतरे जैसा मेरा भी स्कैनर लाल था, अगर आपके टीममेट्स ने यहाँ पे उतार दिया होना तो बस आपको करना क्या है, तो हमको भागना नहीं, आप आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो, बस आपको इधर आ जाना है। और इधर आने के बाद गारंटी बता रहे हैं यहाँ पे कोई देखने नहीं आएगा, आपको पता भाई यहाँ पे कौन नहीं देखने आएगा, आराम से सर्वाइव कर लो, जब बंदे चले जाएंगे बाद में निकल जाना, अपने टीममेट्स को शेयर कर देना। मान लो अगर वो अकेला बचा हो तो आपकी रैंक बचा लेगा यहाँ पे आके, बस आपको तो एक ग्लूवल की जरूरत पड़ेगी वापस से निकलने की, ऐसा नहीं कि आप नीचे कूद के वापस जा सकते हो, आपको एक ग्लूवल की जरूरत पड़ेगी, ग्लूवल कुछ ऐसे लगा देना, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ऊपर लग गया था, अब थोड़ा सा नीचे लगोगे तो भी चलेगा। देखो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जंप करूंगा और मैं इधर आ जाऊंगा, वो इधर से मैं वापस बाहर जा सकता हूँ। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट अपने वर्क करने वाली रिमनाम विलेज के पास में। इधर आपको दो ग्लूवल की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको दो ग्लूवल कुछ ऐसे लगा देना है, दूसरा पहला ग्लूवल तो थोड़ा सा ऊपर लगा देना, थोड़ा और ऊपर भी लगाता ना तो भी चल जाता, और सेकंड ग्लूवल तो थोड़ा सा, अरे काम मेरे मुंह के सामने खड़ा हो गया, दूसरा ग्लूवल कुछ ऐसे लगा देना है और सीधा आपको घर के ऊपर आ जाना है। मेरे टीममेट तो पहले भगने लग गया, अभी देखते जब भगता है तो कैसे चढ़ भी जाता है क्या, देखते हैं। और ये गया और ये नीचे गिर गया, और जल्दी जहाँ तेरे को बहुत जल्दी पड़ी थी, सीधा जंप करना आपको इधर, और इधर आके आप आसानी से इस ग्लूवल को जंप करके आप इस घर के ऊपर आ सकते हो। और अगर आपके पास अभी भी आईडी में गोल्ड की कमी हो ना, तो राइट कॉर्नर पे देखो आपको एक आई बटन दिख रही होगी, इसके अंदर आप जाके वीडियो देख सकते हो, आपको इसमें गोल्ड की ट्रिक बताई है। देखो सामने एक बंदा दिल पर रिवाइव देके डायरेक्ट इधर आया था और इसको मैंने मारा, इसने सोनिया डाल ली है, लेकिन सोनिया पे भी मैंने हेडशॉट मारा भाई, मैं बहुत हेडशॉट मारना लग गया ऐसा लग रहा है। और देखो मैंने जैसे मारा इधर सामने दो बंदे और आ गए, उसको एक को मैंने नॉक कर दिया है 154 का हेड मार के, और सामने एक और बंदा है इसको मैं मार रहा था, लेकिन मेरे टीममेट से पीछे डैमेज दे दे के किल चोरी करने लग गया। नेक्स्ट एक वर्क करने वाली वापस से रिमनाम विलेज के पास में, ये पेड़ के ऊपर चढ़ना है, यहाँ पास में से तो आप चढ़ नहीं पाओगे, देखो मैं जंप कर रहा हूँ चढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे आना है और पीछे आके जय माता दी बोल के जंप कर देना और डायरेक्ट आप इसके ऊपर आ जाओगे। थोड़ा थोड़ा खसकते 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 इसे ऊपर जाने लग जाओगे। मेरा एक टीममेट तो पहले से बैठा हुआ है भाई, इसको सर्वाइव करने की तो इतनी पड़ी रहती है, देखो इमोट दिखा के अंदर ही चले गए भाई, अगर नॉर्मल तरीके से जा पाते ना तो भाई यहाँ तो कोई देख ही नहीं पाता, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऊपर जाके बताता हूँ। देखो हल्का सा ऊपर जाओगे तो इसकी तरह आपको भी धक्का मार के पेड़ नीचे पहुँचा देगा, जैसे मैं गिर गया हूँ। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट अपने वर्क करने वाली पिक पे, अपने नए पिक पे आपको एक ग्लूवल कुछ पेड़ के ऊपर लगा देना है, और ये ग्लूवल कुछ ऐसे लगाना है जितना मैं ऊपर लगा रहा इतना ऊपर लगाना, मतलब पत्तियों से थोड़ा सा नीचे लगा देना। और ये पत्थर दिख रहा है, पत्थर क्या वो चट्टान है इतनी बड़ी, कुछ कहाँ से पत्थर आ गया ऐसा लग रहा है, पिक धस गया और चट्टान ऊपर आ गई। बस ये ग्लूवल के ऊपर जम कर रखे आपको सामने टीम की पत्थरी होनी दिख रही है, इसके ऊपर डायरेक्ट जंप कर देना है, और ये मेरे को दिख नहीं रहा है थोड़ा सा इधर एंगल बना के, और ये जाएगा जंप कर दिया। और यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पे ये सामने दिल है ना तो आपको तो भरपूर किल भी मिलने वाले। देखो सामने एक बंदा आया, मैंने उसको डैमेज दिया और बंदे को पता भी नहीं चला, साइलेंसर लगाए तो, और बंदे को मैंने इधर नॉक कर दिया है, और बात वापस हमें लेट जाता, लेकिन उसको छोड़ो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपनी वर्क करने वाली है शिपयार्ड पे, ये ट्रिक जब वर्क करने वाली, मान लो इधर सारे बंदे उतर गए ना तो भाई आपको भागने की जरूरत नहीं, आप आसानी से किल भी निकाल सकते हो, या आपको कैंपिंग करना तो कैंपिंग भी कर सकते हो, तो आपको पता है ना आप ये वेयर हाउस के ऊपर लॉन्च पैड से चढ़ सकते हो, लेकिन लॉन्च पैड से जाओगे ना तो आपके पीछे पीछे बाकी बंदे आ जाएंगे। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बस ये बात है टावर के ऊपर चढ़ना है और इधर से डायरेक्ट जंप कर देना है इधर, और इधर आने के बाद आराम से सर्वाइव करना हो तो करो, या तो इधर बैठे बैठे किल करना हो तो करो, बाकी लॉन्च पैड से इधर मत आना वरना बंदे देख लेंगे। आज की वीडियो की लास्ट ट्रिक वर्क करने वाली हैंगर और कातलिसिया के बीच में जो बैनर है ना इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, तो बस आपको लॉन्च पैड कुछ ऐसे सेट करना, आप बोलोगे भाई मेरे को सही से दिख नहीं रहा, चलो आपको जूम करके थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कुछ लॉन्च पैड इसके ऊपर सेट कर देना है, और मान लो अगर थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो वापस से आ जाना और वापस सेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा किल मिलेंगे ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ 8-9 किल तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि सारे बंदे इधर आते हैं, आप जो रैंक पुश करते हो ना उनको तो पक्का पता होगा। लेकिन अगर आपको इसी और ट्रिक देखनी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन कर लेना, वरना आपको इसी ट्रिक की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन आप बी आर रैंक पुश कर रहे हो, अगर आपको वो तो नेक्स्ट में परेशान कर रहा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको सी एस रैंक की ट्रिक चाहिए तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। चलो वीडियो को लाइक कर देना।